हेलो फ्रेंड, दिस इज मानस कुमार फ्रॉम टेकवी। और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज कीपैड और इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। और गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये है वो कीपैड जिस कीपैड की मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 4x4 कीपैड मॉड्यूल। ये 4x4 इसलिए लिखा हुआ है क्या, क्योंकि यहाँ पे 4 रो में बटन है आपके और 4 आपके कॉलम में, ठीक है। यही वो चीज़ है, यही एक कीपैड आपका मॉड्यूल है जिसे आप फुल प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कि आपका हो गया कैलकुलेटर, हो गया एक पासवर्ड सिस्टम, हो गया जैसे कि जो भी आप फुल प्रोजेक्ट चाहो इस कीपैड मॉड्यूल से आप बना सकते हो। आपके कीपैड का इंटरनल डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 4x4 कट, मतलब इसमें टोटल आपके 16 कीज़ हैं। 16 कीज मतलब कि यहाँ पे आपका की 1, की 2, की 3, की 4, ऐसे करके टोटल आपका यहाँ पे कितने कीज़ हैं, टोटल 16 कीज़ हैं आपके पास। और आप देखोगे यहाँ पे ये रो 1 है आपका, रो 2, रो 3, रो 4, मतलब 4 रोज हैं आपके और 4 कॉलम्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें एटलीस्ट होता क्या है, ये चालू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। तो हम लोग जैसे कि पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, ये जो आपको रोज दिख रहे हैं आपके रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, तो पूरे रो जो रोज़ हैं हमारे यहाँ पे, जो 4 रोज़ हैं हमारे, उन रोज़ को मैं क्या करता हूँ, ग्राउंड करता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो ग्राउंड होगा, पूरे कॉलम जो हैं यहाँ पे C1, C2, C3, C4, ये पूरे कॉलम्स को मैं क्या करता हूँ, रीड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद रीड होने के बाद क्या होता है, मैं चेक करता हूँ कि मेरे जो पूरे कीज़ हैं, ये की 1 से लेके की 2, पूरा जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो पूरा 16 तक गया है आपका, वो क्या हुआ है, ओपन हुआ है कि नहीं करके। अगर ओपन नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, वापस से आपके कॉलम्स को क्या करना स्टार्ट कर देगा, रीड करना स्टार्ट कर देगा। और अगर पूरे जो कीज़ हैं आपके ओपन है तो क्या करेगा, आपका कॉलम्स को भी वो रीड करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। उसके बाद देखेगा कि ये जो कीज़ हैं आपके छोटे छोटे जो कीज़ बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, इसमें से एक भी डाउन हुआ है कि नहीं करके। डाउन मतलब ये जो उल्टा टी देख पा रहे हो आप, ये क्या होता है, जब डाउन होता है, डाउन होने के बाद क्या होगा, ये डीबाउंस होता है। जैसे ही वो इसमें दबेगा, आप कोई भी एक कीपैड आप दबाते हो तो क्या होता है, वापस वो डीबाउंस होता है। ये जो टी देख रहे हो आप उल्टा, ये दबने के बाद क्या होगा, ये डीबाउंस होगा। उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही डीबाउंस होगा वो ये पूरे कॉलम्स को है वो क्या कर लेगा, पढ़ लेगा। उसके बाद फिर चेक करेगा कि फिर कोई की जो है वो डाउन है कि नहीं करके। जैसे ही डाउन होगा फिर वो वापस से चेक करेगा कि अगर कोई की डाउन हो रहा है तो उसके बाद वापस से जैसे डीबाउंस होगा वो उसको क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा।